आपसे भी बहुत अच्छा होता है, आप जहाँ होते हैं, जहाँ वर्किंग है अगर, तो वहां से भी अटेंड कर पाते हैं, इसलिए अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। फिर धीरे धीरे हो सकता है कि ये नॉर्मल जैसे होता था वैसे ही हो, पर रीजनल सेंटर पटना से ये इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और मैं डॉक्टर शालिनी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हूँ यहाँ, और आप सबको आपके प्रोग्राम से संबंधित और इग्नू के बारे में बताना, और इग्नू रीजनल सेंटर और आपका स्टडी सेंटर कब कब क्या क्या करता है, किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, ये सारे डिटेल इस मीटिंग के दौरान आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ माय इग्नू रीजनल सेंटर पटना एंड माय ओन बिहाफ, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑल। आप सब अभी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो इस सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इग्नू, उसके छात्र हो गए हैं, और आपका ये सेशन आज से एकेडमिक सेशन की तरह से शुरुआत होता है। जो पहला डे होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, या जो एकेडमिक सपोर्ट हम देते हैं, उसका ये फर्स्ट डे माना जाता है, जिस दिन के बाद से आपको ये तैयारी कर ली जाती है कि अब आप सारी चीजों से परिचित हो गए हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और क्या क्या समस्याएं आती हैं, और उसके लिए आपको कब कब कहाँ जाना है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप वर्क करना शुरू कर देते हैं। आपको स्टडी सेंटर में क्या करना है, या कब जाना है, या रीजनल सेंटर को कब संपर्क करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंडक्शन मीटिंग के दौरान ही दी जाती है। आपकी संख्या बहुत कम जरूर है अभी, धीरे धीरे लोग आते जाएंगे, पर मैं चाहती हूँ कि इसको शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये 12:30 का टाइम था, और जिनको फुर्सत नहीं है, जिनको नहीं जानना है, या जो सीरियस नहीं है, उनको कभी भी सीरियस नहीं किया जा सकता है। कभी कभी आपके प्रोग्राम को मैंने देखा है कि जीडीआरडी और एमएआरडी में बहुत सारी संख्या में स्टूडेंट आ जाते हैं, पिछले सेशंस तक मैंने ये देखा है, पर अभी तो मैं देख रही हूँ उनको पता नहीं क्यों अभी तक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि गूगल से आजकल हर कोई परिचित है। रहने दीजिए, जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन सब के साथ अभी मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके पूरे प्रोग्राम के बारे में, पीजीडीआरडी और एमएआरडी दोनों के बारे में बताऊंगी, प्लस जो आपका इन्फॉर्मेशन, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी जो डिस्टेंस मोड में इग्नू में एडमिशन लेता है उसको क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए, वो सारी बातें जो अभी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करें, चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे उतने ज्यादा नहीं है, 100-150 के करीब, तो हम लोग एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं, तो आप लोग एक एक करके वीडियो ऑन कर लीजिए, या सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, और अपना इन नाम बताएंगे, और अब अपना स्टडी सेंटर अगर आपको अभी तक मालूम है तो सिर्फ दो चीज बताएंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं क्षेत्रीय केंद्र पटना से हूँ और मैं असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हूँ, आप सिर्फ अपना नाम बताएंगे और आप अपना अध्ययन केंद्र बताएंगे, स्टडी सेंटर। जल्दी जल्दी, बस 2 मिनट में ये खत्म होना चाहिए। वीडियो ऑन कर लीजिए सारे के सारे लोग, अगर आप कंफर्टेबल हैं। हाँ, फिर जब हमारा फसल निकल गया, जमा कर दिए। सौरभ जो बोल लेगा वो फिर अपना माइक ऑफ भी कर लेगा तुरंत, ताकि आपकी आवाज दूसरे डिस्टर्ब नहीं हो। मैम, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं पटना से हूँ। मेरा जी, हेलो, बोलिए बोलिए। सौरभ आप माइक ऑफ रखिए। आशीष बताइए, स्टडी सेंटर कहाँ है आपका? जी मैम, मेरा स्टडी सेंटर बीएन कॉलेज मैंने दिया है और मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। मैंने पीजीडीआरडी में एडमिशन लिए हुए हैं। ओके, थैंक यू। सौरभ सौरभ आप प्लीज बताएं। सौरभ सौरभ कुमार, और कोई नेक्स्ट बताइए। हाँ मैम, मेरा नाम अभिलाषा है और मेरा स्टडी सेंटर ये बीएन कॉलेज पटना है और मैंने पीजी डीआरडी में एडमिशन लिया। प्रोग्राम बताइए। ओके मैम, रीति ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट। हाँ हाँ, बस सुनी को बुलाया है। गुड आफ्टरनून मैम। एमएआरडी और पीजीडीआरडी। रीति सिन्हा, गुड आफ्टरनून। Myself.
माई सेल्फ अंतरिपल वायकर्मकर मैम. हाँ माई स्टडी सेंटर इज पाटना बी एन कॉलेज MARD. MARD. ओके. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैं कुमार गोविंद. मेरा स्टडी सेंटर बी एन कॉलेज और मेरा ये है MARD मैम. ओके. नेक्स्ट प्रीतम. गुड मॉर्निंग. कृति. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. मेरा नाम कृति से है और मैं MARD कोर्स के लिए अप्लाई की हूँ और BN कॉलेज पटना से. मतलब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको. आप पहले अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए फिर माइक ऑफ कर लीजिए. सौरभ कुमार. हाँ जी मैम. हेलो मैम. मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं BN कॉलेज पटना से MARD के लिए अप्लाई किया था. MARD ठीक है जी. अब माइक ऑफ कर लीजिए. श्रवण कुमार. श्रवण जी मैम. बताइए स्टडी सेंटर बताइए अपना. पटना. BN कॉलेज जी. ठीक है. आशीष हो गया. ये ज्यादातर लोग PGDRD के हैं और BN कॉलेज से हैं. ऐसे तुम्हारे सेंटर जो है स्टडी सेंटर है दो सेंटर. हेलो मैम. हाँ जी बोलिए मैम. गुड आफ्टरनून. मैं जिया बोल रही हूँ. मैं हाजीपुर वैशाली से हूँ. मेरा स्टडी सेंटर TPS कॉलेज है लेकिन. और बोलिए जिनको बोलना है बोलिए अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं. नमस्ते मैम. नमस्ते जी. मैं MARD गया से हूँ. गया कॉलेज गया से. ओके ठीक है. नेक्स्ट. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मैं काश्मीर कुमार हूँ मैम. TPS कॉलेज से MARD कर रहा हूँ. ओके चलिए. और भी कोई बच गया. गुड आफ्टरनून मैम. मेरा नाम कृति है. मैं TPS कॉलेज में स्टडी सेंटर के लिए हूँ. प्रोग्राम बताइए. PGDRD है MARD है. MARD मैम. ठीक है. ओके थैंक यू. थैंक यू. नेक्स्ट. गुड आफ्टरनून. मैं भानु प्रताप सिंह हूँ और मेरा PGDRD है BN कॉलेज पटना से. ओके. ऑलमोस्ट सबने बता दिया है. हमारे दो तीन सेंटर हैं ऐसे जहाँ पे ये प्रोग्राम एक्टिवेटेड है जिसमें आपका एक गया कॉलेज से है, BN कॉलेज में है और TPS कॉलेज में है. सबके अपने स्टडी सेंटर कोड हैं जो आप सबको मालूम चल गए होंगे. गया का क्या है और TPS कॉलेज का क्या है और BN कॉलेज का क्या है. अगर नहीं पता है तो अपना कोड जरूर याद रखेंगे. जो गया वाले हैं उनको 0511 है और BN कॉलेज वाले का 0524 है और जो यहाँ TPS कॉलेज से जुड़े हैं उनका है 0568. ये कोड बताने से आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे अगर पूछा जाएगा स्टडी सेंटर बताइए तो सिर्फ आपको कोड बताना होता है. अभी आपके पूरे इंडक्शन प्रोग्राम के लिए जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए मैं बस एक मिनट आपसे समय लूंगी और आपको तुरंत आपके मीटिंग की तरफ आगे बढ़ा.
आप बताएंगे कि आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपको सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे आपको पहले से भी पता होगा इग्नू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और ये बहुत प्रचलित नाम है इग्नू, लेकिन इसको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये पार्लियामेंट एक्ट के तहत 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा शक नहीं होना चाहिए किसी को भी कि ये यूनिवर्सिटी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है और ये विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट, यानी हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इतने, उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अभी तक विश्व में कोई भी नहीं है। अभी सारे भी जितने प्रोग्राम्स हम डालते हैं, जितने भी आप जिसको कॉमनली जानते हैं कि ये कोर्सेज कहलाते हैं, तो ये हमारे इसमें इसका टर्मिनोलॉजी जो है कोर्सेज का वो है प्रोग्राम, या हिंदी में हम बोलते हैं कार्यक्रम। जैसे एमएआरडी या आपका इस प्रोग्राम के लिए या कोई भी अन्य प्रोग्राम, जितने भी हमारे सर्टिफिकेट डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम्स जो इग्नू ऑफर करती है, उसका रिकॉग्निशन यूजीसी से प्राप्त हुआ हुआ है। जैसे कि अन्य विश्वविद्यालयों में पहले यूजीसी अप्रूवल देती है, फिर वो प्रोग्राम वहां पे रन होता है। तो आपको इसकी भी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसको यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अब ये इग्नू का जो ये है जोरिस्डिक्शन है वो कहाँ तक है? ऐसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी इसको अपने पूरे देश में अक्रॉस द कंट्री इसका नेटवर्क है, पर ये विदेशों में भी है। जैसे कि हमारे सेंटर्स अपने देश में खुलते हैं, वो कॉलेजेस में खोले जाते हैं, बस ठीक उसी तरीके से विदेशों में भी कई ऐसी 10 या 15 ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारा नेटवर्क है और वहाँ भी स्टडी सेंटर है, जिसका जो स्टूडेंट विदेश में रहते हैं और पढ़ना चाहते हैं इग्नू के माध्यम से, उनके लिए वो व्यवस्था की गई है, जिसका एक अलग से इंटरनेशनल डिविजन है इग्नू के अंदर, जहाँ उसकी पूरी एडमिशन की प्रक्रिया या अदर एक्टिविटीज जो है वो इंटरनेशनल डिवीजन ही उसको देखती है। अब ये इग्नू कितने तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, उसमें सबसे पहले है एक सबसे छोटा प्रोग्राम या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जिसको कहते हैं, वो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो 6 मंथ्स में हो जाता है। उसके बाद आता है डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा जो 1 साल उसके लिए आपको लगाने पड़ते हैं। अंडर ग्रेजुएशन जो बीए के प्रोग्राम है, जिसमें सारे वो प्रोग्राम आते हैं जो इंटरमीडिएट, जिसकी क्वालिफाई करने के बाद जो पास कर जाते हैं और हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं, तो अंडर ग्रेजुएशन में आते हैं, और वो बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी ऐसे प्रोग्राम है जो इग्नू ऑफर करती है, जो बहुत हटके है, हम लोग आगे भी बात करेंगे। उसके बाद फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो हायर लेवल का प्रोग्राम है, जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं स्टूडेंट तो उनको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा देती है। अब ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं, वो प्रोग्राम कहाँ बनता है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये इग्नू जो है वो डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, तो ये प्रोग्राम्स बनते कहाँ हैं, कैसे बनते हैं, ये कैसे लॉन्च होता है और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको स्कूल्स में बांटते हैं। आपने कन्वेंशनल सिस्टम में आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे वो ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट कह के, हिंदी डिपार्टमेंट कह के जानते हैं, पर हमारे यहाँ ये स्कूल्स है, यानी हमारे यहाँ कहने से अब आपका भी है, ये यूनिवर्सिटी आपकी भी है, आपके स्कूल के बारे में आपको जानना है कि आपका ये प्रोग्राम पीजीडीआरडी और एमएआरडी कौन से स्कूल के तहत आता है। आपने ये देखा होगा टोटल हमारे 21 स्कूल हैं, जिसमें ये नंबर 5 को हमने रेट किया है, ये स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, SOCE। आपको जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो, अगर आपको संपर्क करना है कि हम अपने स्कूल के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने आपके प्रोग्राम को लॉन्च किया है, उनसे अगर आपको संपर्क करना है किसी खास तरह की जानकारी के लिए, तो आपके किताबों में जहां भी जो बुकलेट रहता है उसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नंबर, मोबाइल नंबर तो नहीं भी हो सकता है पर ईमेल आईडी जरूर होगा, उससे आप मेल करके भी उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
ये सारे 21 स्कूल के नाम है, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो हमारे जितने भी प्रोग्राम है, जो अभी सैकड़ों या हजारों में ऐसे प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एडमिटेड होते हैं और हर साल इनकी डिग्रियां उनको दी जाती हैं। आप देखेंगे कि अब आपका प्रोग्राम जैसे PGDRD प्रोग्राम है, उसका ये प्रोग्राम एक नेम और प्रोग्राम का कोड दो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके लिए, कि आपको ये अगर पूछा जाता है कि आपके प्रोग्राम का नाम क्या है तो आपको पूरा लिखना या बोलना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, और अगर कोड बोलना है आपको या कहीं भरना है तो आप PGDRD लिखते हैं। आपके स्कूल का नाम मैंने बता दिया है, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब यहाँ जब आप स्टडी करने आते हैं तो सबसे पहले आप ये सिस्टम जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल है, स्टूडेंट की सुविधा के अनुसार बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं जो अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं दी जाती हैं। मिनिमम ड्यूरेशन आपका 1 साल का है, जिसमें आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं अपने सारे उन एक्टिविटीज को जो मैंडेटरी हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, और एग्जामिनेशन में भी अगर आप सभी कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है। पर किसी कारण से अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 3 साल दिया जाता है। इस 3 साल की अवधि में भी आप अपने उस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं जिसमें जिस कोर्स कोड के लिए आपको कोई परेशानी हो गई है, या आप नहीं दे पाए हैं, या फिर आपके अच्छे अंक नहीं आए हैं और आप उसको क्लियर नहीं कर पाए हैं। इस प्रोग्राम के लिए आपकी किताबें उपलब्ध हैं दोनों माध्यम से, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है मीडियम इसकी। अब जिसने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया है उसको उसकी जो स्टडी मटेरियल मिलेंगी उनको हिंदी में ही मिलेंगी और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में ही मिलेगी। बस ये फर्क नहीं समझना चाहिए कि हमने हिंदी ऑप्ट किया है तो मैं चाहूँ तो इंग्लिश भी ले सकता हूँ, या फिर आपको लिखने पढ़ने के लिए आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों में से। अगर इंग्लिश ऑप्ट किया है पर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या बाइलिंगुअल भी लिख सकते हैं, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किताबों के लिए ये माध्यम बहुत जरूरी है, जिसमें आपने ऑप्ट किया है उसमें ही आपको मिलेगा। दूसरे हमारे ग्रुप हैं जो MA RD कर रहे हैं, उनका मास्टर ऑफ आर्ट्स है और उनकी मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 2 साल की है और उनको मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया जाता है 5 साल। 5 साल के भीतर आपको अपना ये प्रोग्राम पूरा कर लेना है। मीडियम आपका भी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही है। आप अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे 1 साल का ये प्रोग्राम है, इस PGDRD प्रोग्राम में जब आप एडमिशन लेते हैं उस समय आपने ये कोर्स कोड ऑप्ट किए होंगे। आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले आपका जब एनरोलमेंट नंबर आपको पता है तो सबसे जरूरी चीज होती है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करना होता है। आप इग्नू के वेबसाइट पे जाएंगे, स्टूडेंट जोन में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल निकालेंगे और ये आप देखेंगे ये जितने भी कोर्स कोड हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं वो क्रेडिट के साथ इसी तरीके से आप उसमें मेंशन किया होगा आप डिटेल में। और ये कोर्स कोड है MRD 101, 102, 103, ये सारे 6-6 क्रेडिट के हैं। अभी मैं आपको क्रेडिट के बारे में भी बताऊंगी आगे, ये क्रेडिट क्या होता है। उसके बाद आप देख लीजिए ऑप्शनल कोर्स है, 3 आपके 6-6 क्रेडिट के थे। ऑप्शनल कोर्स में 3 में से कोई एक लेना है, वो भी एक 6 क्रेडिट का जिसका चुनाव आपने कर लिया है एडमिशन के टाइम में। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट वर्क है जो RDD 5 है, जिसके बारे में आपको अभी से ही उसका प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है ताकि आपका समय जो है वो वेस्ट नहीं हो और 1 साल के अंदर में आपके प्रोजेक्ट वर्क भी पूरे हो जाएं और आप एग्जामिनेशन देके अपने सारे वो जो ऑप्शनल कोर्स और जो आपका कंपलसरी कोर्स था वो भी आप कंप्लीट कर सकें। RDD 5 के बारे में मैं दोनों का ज्वाइंट MA RD और इसके PGDRD के डिसर्टेशन के बारे में मैं आगे बताऊंगी। आप एडमिशन के बाद आपका पहला ये एक्टिविटी था जब आपने अपना डिटेल निकाल लिया स्टूडेंट जोन में जाके, आप वहां पे देखेंगे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जितना आपने भरा है, आपका नाम या आपके एड्रेस, ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर में कहीं अगर कोई एरर है तो वहां पे जाके आप चेक करने के बाद उसका करेक्शन करने के लिए एक सिंपल ईमेल लिख के देते हैं। आप अपना आईकार्ड उसमें अटैच करते हैं तो बहुत आसानी से उसको 1 से 2 दिन के अंदर में चेंज भी कर दिया जाता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपने खुद भरा है तो गलतियां होने की चांसेस जो है वो थोड़ी कम हो जाती हैं। पर अगर फिर भी कोई गलती रह गई है तो उसको आप करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद
जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको SLM अभी तक या तो आपके घर पे पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा, जिसको स्टडी मटेरियल कहते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिलने के साथ ही आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं, आपके काउंसलिंग क्लासेस होती हैं। अगर आपके पास SMS जाता है कि आपके ये शेड्यूल है, आपको वेबसाइट पे वहां पे जाके देख लेना है, और ऑनलाइन अगर है तो फिर आपको लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक पे उसी समय पे जाना है जिस समय पे आपको बोला गया है। वो अटेंड करने के बाद आपकी जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी एक्टिविटी है, जिसको आप बिना किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो है असाइनमेंट। ये हर कोर्स कोड के लिए होता है, एक्सेप्ट जो प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट में असाइनमेंट नहीं लिखना है, बाकी सारे कोर्स कोड जो आपको मैंने बताया था 101, 102, 103 प्रीवियस स्लाइड में, वो सारे कोर्स कोड के असाइनमेंट हमारे वेबसाइट पे डाल दिए जाते हैं, और आपको अपने सेशन के ही असाइनमेंट को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है, और उन सवालों का, उन प्रश्नों का जवाब आप बहुत अच्छे से बनाते हैं और बना के स्टडी सेंटर में उसको जमा करते हैं। अब सबमिशन के टाइम पे आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, कौन से कोर्स कोड का आपने किस डेट में जमा किया है और कौन से टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए किया है। अब आपको ये लगता होगा कि अभी मैंने जो जनवरी 2022 के लिए एडमिशन लिया है तो इसके असाइनमेंट कब जमा करने होंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने ये बताया है कि आप अगर जनवरी के स्टूडेंट हैं तो आप टर्म एंड दिसंबर के लिए एलिजिबल हैं। एक साल कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको करना है कि आप अपने असाइनमेंट को स्टडी सेंटर में जमा करेंगे, फिर ऑनलाइन लिंक जो आपको प्रोवाइड की जाती है, और टर्म एंड एग्जामिनेशन में फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म को वहां ऑनलाइन फिलअप करते हैं, जैसे अभी आपने एडमिशन के लिए किया था। आप ये जो असाइनमेंट आपने जमा किया है वो मैंडेटरी है, और साथ में ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि इसमें जितने भी मार्क्स आप ऑब्टेंड करते हैं उस मार्क्स का 25% आपके ग्रेड कार्ड पे अंकित कर दिया जाता है, और जो थ्योरी पेपर है आपके जिन कोर्सेज के, वो सारे आप 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन देते हैं उसमें 75% वेटेज जो है आपको आपके थ्योरी जो आपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में लिखेंगे कॉपियां उसके आधार पे आपको दिया जाएगा। फिर 75 और 25 मिलके आपके हो गए 100%, और 100% में जितने परसेंटेज आपको प्राप्त होते हैं वो आपके आपको फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है। अब आप जनवरी के हैं इसलिए आपको चिंता नहीं है, अभी आपके पास पूरा समय है, आपके पास किताबें होंगी। अगर आपने ऑनलाइन ऑप्ट किया होगा स्टडी मटेरियल के लिए तो आपको ई ज्ञान कोर्स से जाके ऑप्ट ये डाउनलोड करना है, या फिर आप उसकी प्रिंट आउट निकाल के रख लें अपने पास, या फिर आप अपने लैपटॉप या जैसे भी आपके लिए सुविधाजनक हो उसमें आप अपना अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। प्रोजेक्ट जो है PGDRT का RDD5, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अभी से ही आपका जो प्रोजेक्ट हैंडबुक भी दिया जाता है उसको आप पढ़ेंगे, और पढ़ाई करने से सबसे पहले यही करना चाहिए कि प्रोजेक्ट हैंडबुक या फिर आपका प्रोग्राम गाइड जो आपकी किताबों के साथ दे दिया जाता है, पहले उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, स्टेप वाइज कब क्या करना है। जैसे अभी आपको इंडक्शन के दौरान जो बताया जा रहा है वो सारी चीजें आपको प्रोग्राम गाइड में भी लिखी मिलेंगी, वहां आप देखेंगे कि आपको क्या क्या करना है। अब ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, आप किस तरीके से आप अपने टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे, या फिर आपको सुपरवाइजर कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजें वहां पर लिखी गई हैं, उसको आप जरूर पढ़ेंगे। इसके अलावा कि आप RDD5 जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको बनाने के पहले आपको 2.5 घंटे का 6 काउंसलिंग सेशन भी दिया जाना है। अब ये कब होगा कैसे होगा आपको अपने स्टडी सेंटर में जाके इसके लिए बात करनी चाहिए, ताकि आपको पूरा वो सिस्टम स्टेप वाइज आपको बता सकें कि ये रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होगी और किस तरीके से आप अपना पूरा वर्क को कंप्लीट करेंगे, कहाँ आपको कौन से आपके सुपरवाइजर हैं जिनको आपके स्टडी सेंटर ने अलॉट किया है उनसे आपकी मुलाकात होगी, और आप उनसे जब बातचीत करेंगे आप हेल्प के लिए तो आप इन क्लासेस का डिमांड भी कर सकते हैं। ये मैंने छोटा सा स्टेप बता दिया है जो आपको स्टडी सेंटर में बताया जाएगा, वो है अगर आपकी काउंसलिंग क्लासेस नहीं होती हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होती है इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। ये दोनों के लिए कॉमन है, MARD में भी एक डिसर्टेशन है और PGDRD में भी।
आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जो भी आपने टॉपिक रिसर्च के लिए चुना है उससे संबंधित आपके पास लिटरेचर उपलब्ध हो, अब प्रीवियस ईयर में क्या क्या हुआ है उसके आधार पे, या फिर आप जो नया कुछ करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सुपरवाइजर जो प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे, प्रपोजल तैयार करना होता है। पहले जो पूरा वर्क आपको प्रोजेक्ट का करना है उसके लिए एक सिनॉप्सिस या उसको कहते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल, जिसको बना के फिर आपका उसको अप्रूवल दिया जाता है। ये पहला स्टेप होता है। जब अप्रूवल मिलने के बाद फाइनली आपको प्रिपरेशन ऑफ टूल्स एंड डाटा कलेक्शन, ये सारी चीजें जो आपको क्लासेस के दौरान बताई जाएंगी या आपके सुपरवाइजर बताएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्शन के बाद में फिर आप उस डाटा का एनालिसिस करते हैं, फिर आप उसकी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, यानी पूरा प्रोजेक्ट वर्क जो है जितना भी आपने किया पूरी एक्टिविटी को आप लिखते हैं, उसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद इसकी बाइंडिंग होती है, और बाइंडिंग करने के बाद इसको जो एड्रेस आपको दिया जाएगा या आपके प्रोग्राम गाइड में या प्रोजेक्ट हैंडबुक में भी मेंशन है, वहां से उस एड्रेस पर इसको आपके सुपरवाइजर के सिग्नेचर के साथ ही इसको भेज दिया जाता है। इसका डिटेल भी हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद ये किस तरीके से लिखा जाता है और कैसे बनता है, ये सारे डिटेल आपको बताए जाएंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना डिटेल अभी कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी नए भी हैं, इतना टाइम लगाने से अच्छा है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। A4 साइज का पेपर यूज करना है, आपके फॉन्ट भी हमने इसमें डाल दिए हैं, डबल स्पेसिंग होती है इसमें। और ये कितने पेजेस में बनेंगे, जो हमेशा आप कंफ्यूज होते हैं कि कितने पेज में हम सिनॉप्सिस बनाएंगे और कितना मैक्सिमम पेज हम रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट राइटिंग के लिए, तो ये हमने यहाँ 10 से 15 पेज में आपका सिनॉप्सिस तैयार हो जाता है और 60 से 70 पेज में आपका पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो थोड़ी सी नॉलेज पहले बनाने के पहले आपको होनी चाहिए, बाकी आपके सुपरवाइजर आपको गाइड करेंगे। आपका वो जो प्रोजेक्ट तैयार आप करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है जो आपको सबसे पहले लगाना चाहिए, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन बनाते हैं आप, उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर्म है आपका, एक फॉर्मेट है उसको आप भरते हैं और सुपरवाइजर उसको सर्टिफाई करते हैं, तो वो लगाना बहुत जरूरी है। और उसमें जो आपका अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है उसमें एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम स्टडी सेंटर, आपका एड्रेस और नाम, ये मोबाइल नंबर, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही सही उसमें डालना है आपको। ये कितनी कॉपीज में बननी चाहिए, ऐसे आपको दो तो बनाना ही है, तीन भी बनाना है आपको। तीसरा कॉपी जो है आपको एक स्टडी सेंटर को देना होता है, एक आपका खुद का कॉपी होता है जो आपने वर्क किया वो अपने पास रखते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को आप अपनी कॉपी भेजते हैं इवैल्यूएशन के लिए, जिसके आधार पे इवैल्यूएट करके आपको मार्क्स दिया जाता है, जिसकी एंट्री आपके ग्रेड कार्ड पे कर दी जाती है। तो तीन कॉपीज बनाना इम्पोर्टेंट है, आप स्टडी सेंटर में भी जमा करेंगे, एक आपकी खुद की होगी और तीसरी चली जाएगी जो एड्रेस आपको दिया गया है स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन न्यू दिल्ली का, आप वहां भेजते हैं। ये एड्रेस भी है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये आपको वहां भी प्रोजेक्ट हैंडबुक में भी लिखा हुआ है। ये एड्रेस सही ढंग से लिख के आपको टाइम पे भेज देना है, आप जब चाहेंगे तब नहीं भेज सकते हैं। प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस बना के कब से कब तक जमा करना है वो पीरियड भी आपके प्रोजेक्ट हैंडबुक में लिखा हुआ है। अगर आप जनवरी के स्टूडेंट हैं तो प्रपोजल बनाना आपको शुरू कर देना है और एक महीने के अंदर आपको उसका अप्रूवल भी मिल जाता है, और अप्रूवल मिलने के साथ ही आप एक्टिविटी के लिए 2-3 महीने रखते हैं, उसमें पूरा आप अपना 3 महीने में प्रोजेक्ट वर्क पूरा करेंगे, फाइनली उसको टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद उसको बाइंड करके, और जो मंथ दिया हुआ है जैसे आप अभी दिसंबर के लिए एलिजिबल है तो कम से कम आप नवम्बर तक जरूर इसको बना के और भेज देंगे, जो आपका रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवेल्युएशन डिविजन का एड्रेस है उस पे। परमानेंट एग्जामिनेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट लिखना बहुत जरूरी है और वो उसके बिना आप परमानेंट एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के वेटेज को मिला के ही आप पास माने जाते हैं और ये आपका कोर्स कोड कंप्लीट होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यही करना है कि असाइनमेंट जमा करेंगे, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे अपने उन कोर्सेज का जिसके लिए आपका प्रिपरेशन हो गया है।
अगर आप चाहेंगे तो आप 4 अगर कोर्स कोड है या आपके 6 कोर्स कोड हैं पूरे प्रोग्राम के दौरान में जो पीजीडीआरडी के हैं या जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं एमएआरडी के, वो चाहें तो कम भी दे सकते हैं। अगर 6 है तो आप 4 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन भी दिया गया है। पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए जिन पेपर्स के आपकी असाइनमेंट तैयार हो गए हैं और आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है उसके लिए ही आप कोर्स कोड का चयन करेंगे। उसके बाद आपको 10 से 15 दिन पहले हॉल टिकट दिया जाता है। उस हॉल टिकट में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने ऑप्ट किया है या तो वो मिल जाएगा, अगर वहां सीट फुल हो जाती है तो जो नियरेस्ट आपका एग्जाम सेंटर होता है वो भी दे दिया जाता है आपको। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए वहां भी आपको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप चाहें तो रीजनल सेंटर पटना के अलावा किसी भी रीजनल सेंटर के अंतर्गत जितने एग्जाम सेंटर होंगे वो लिस्ट वहाँ वेबसाइट पे जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ उपलब्ध होती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार या आप अपनी उपस्थिति, आप उस समय उस मंथ में दिसंबर के महीने में आप कहाँ होंगे उसके अकॉर्डिंग भी आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ इग्नू में ही दी जाती है, पूरे ऑल ओवर द कंट्री आप कहीं भी चाहें तो आप एग्जाम दे सकते हैं अगर आपको पहले से पता है कि आपको कहाँ रहना है उस समय। उसके अलावा अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब के हैं, आपको पता है कि हो सकता है कि 6 महीने बाद 7 महीने बाद मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप पहले आप अपने आरसी का ही एग्जाम सेंटर ऑप्ट कर लीजिए और आप अपना ट्रांसफर का लेटर अगर आपके हाथ में आ जाता है तो आप जिस रीजनल सेंटर के एग्जाम सेंटर पे जाना चाहते हैं वहां के आरसी से जाके परमिशन लेके भी एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। ये हॉल टिकट जो है उसके साथ में आपको अपना आई कार्ड अपने साथ ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको हॉल टिकट को डाउनलोड करने के लिए भी आपको अपने ignu.ac.in जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके ही आपको इसको डाउनलोड करना रहता है। अगर कोई उसमें एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप इसको वेरीफाई करते हैं, अगर कोई कोर्स कोड जो आपने भरा था वो छूट गया है, इस तरह के करेक्शन के लिए आपको आपके रीजनल सेंटर पे जाके संपर्क करना होता है इस प्रूफ के साथ कि आपने कोर्स कोड के सारे पैसे जमा कर दिए थे या फिर आप उस कोर्स कोड के लिए रजिस्टर्ड भी हैं। आपको भी मैंने बताया था कि हर कोर्स कोड का 25% असाइनमेंट और 75% जो है वो आपका ब्रिटिश थ्योरी पेपर्स के होते हैं। अब इसमें कितना मार्क्स आएगा तो आप दोनों को मिलाने के बाद सेपरेटली पहले आपको अलग अलग पास भी करना होता है। क्या ग्रेड आपके आएंगे कि आप पास माने जाएंगे, यानी आपने सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर लिया है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर चाहें तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट के थ्रू रख सकते हैं। कितना नंबर या कितना कौन सा ग्रेड आपको मिलेगा तो आप पास माने जाएंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि द स्कोर फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन इन द कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ ईच कोर्स इज ग्रेड डी, और दोनों को मिलाने के बाद आपके असाइनमेंट और आपके थ्योरी को मिलाने के बाद कम से कम आपको सी जरूर आ जाना चाहिए, लेकिन कम से कम डी अगर होगा तो आप पास माने जाते हैं। ये रिस्की होता है, कभी कभी आप दोनों को जोड़ेंगे तो शायद सी तक नहीं पहुंच पाते हैं, पर प्रोजेक्ट के लिए किसी भी हालत में डी नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको ग्रेड सी लाना ही पड़ेगा। और इससे भी अच्छे अंक के लिए आपको प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल जो गाइडलाइन आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। अब पूरे प्रोग्राम को पास करने के लिए ओवरऑल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी में डी है और दूसरे आपके पार्ट में अगर सी भी सी आ जाता है तो डी सी मिला के उसका एवरेज सी होना चाहिए, उसी तरीके से ओवरऑल जो होता है ना पूरे सारे कोर्स कोड का भी मिला के आपको कम से कम सी ग्रेड लाना है, तब आप पास माने जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। अभी आपको मैंने बताया था 6-6 क्रेडिट के कोर्स कोड हैं जो आपके एमआरडीई 101 102, ये सब में 6 क्रेडिट लिखा हुआ था। अब ये क्रेडिट क्या है पहले वो समझ लीजिए, फिर वो क्रेडिट सिस्टम में बताऊंगी कि आपके इस प्रोग्राम में क्या अलग से एक सुविधा दी गई है क्रेडिट ट्रांसफर की। तो वो क्रेडिट जो है एक क्रेडिट 30 घंटे स्टडी के बराबर होता है। आपके स्टडी आवर्स जो है वो आपको बताते हैं कि अगर आपका 6 घंटे 6 क्रेडिट का कोई प्रोग्राम है
कोर्स कोड है, तो उसके लिए आपको एक के लिए 30 घंटा है, यानी आपको 180 घंटे आपको देने होंगे, जिसमें वो सारी एक्टिविटीज हैं, जिसमें आप अपनी किताबों को पढ़ाई पढ़ने से लेके असाइनमेंट लिखना, स्टडी सेंटर पे जाना, वहां जाके अपने काउंसलर से मिलना या काउंसलिंग सेशंस अटेंड करना, और उससे एकेडमिक जितनी भी एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड वो सारी एक्टिविटीज आपको, ये माना जाता है कि इतने घंटे तो आपको लगेंगे ही या आपको इतने देने ही पड़ेंगे। यानी आप अभी से किताब को बंद करके और सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम में उसको खोल के चाहेंगे कि मैं बस सब कुछ एक साथ ही कर लूं एक महीने के अंदर या 10-15 दिनों के अंदर, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स आपको नहीं दिलाता है, बस जस्ट पास मार्क्स आ सकते हैं अगर आप बहुत दिन रात मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप इतने जो आपका मिनिमम ड्यूरेशन दिया गया है उसके अंदर पढ़ाई को पूरी करनी है, तो हर कोर्स कोड को उसके क्रेडिट के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम डिवोट करेंगे, जिससे आपका टाइम पे असाइनमेंट भी जमा हो जाएगा, आप थ्योरी पेपर के लिए तैयार भी हो जाएंगे और अपना प्रोजेक्ट वर्क भी कर लेंगे। अभी ये क्रेडिट ट्रांसफर जो है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, थोड़ी देर में आना मीटिंग में। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, ये आपका PGDRD में जिसने भी अभी एडमिशन लिया था उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो MARD में सारी की सारी कॉमन है, बस मास्टर ऑफ आर्ट्स जिन्होंने लिया है उनको एक बार री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं MARD के, उनको री रजिस्ट्रेशन कब करवाना है उसका भी ऑनलाइन लिंक आएगा आपने, जो हमारा इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है ignu.ac.in, अभी नहीं आया है, पर अपने सेशन का लिंक आते ही आपको सेकेंड ईयर में अपना दोबारा नामांकन कराना है, जिसको हम री रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब लिंक के पास में हो सकता है कि ये लिखा होगा RR, इसको शॉर्ट में RR भी बोलते हैं, तो RR देखिएगा, आप जनवरी 2022 के स्टूडेंट हैं, आपका 2023 के लिए री रजिस्ट्रेशन होगा। जब आप उसमें ऑप्ट करने जाएंगे कोर्सेज, तो कौन कौन से कोर्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। आपके कंपलसरी कोर्सेज जो है वो अभी फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, आपके अपने कोर्स डिटेल में जब आप देखेंगे MRD 101, 102, 103, 104 सारे हैं। इसके बाद ऑप्शनल कोर्स जो है वो आपके अलग हो जाते हैं, थोड़े उसके PGDRD से थोड़ा अलग है ये, और सेकेंड ईयर के कोर्सेज जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। ये सारे कोर्स कोड आपके कोर्स डिटेल में होंगे, इतना डिटेल में यहाँ जाना जरूरी नहीं है, आप क्रेडिट्स के बारे में पहले से जान चुके हैं। अब वहां पे RDD 5 था डिसर्टेशन, यहाँ डिसर्टेशन का कोड चेंज हो जाता है, जो PGDRD के थे उनके लिए RDD था, और MRDP 001 जो है वो डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क जो है वो MARD के लिए, ये 12 क्रेडिट का है। इसमें PGDRD का एक छोटा डिसर्टेशन भी हो सकता है, पर MARD वालों को थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देना है और थोड़ा अच्छे से बनाना है इसको। इसकी भी आप दो कॉपी तो बनाएंगे, तीसरी कॉपी जो है वो आप अपने स्टूडेंट कॉपी की तरह से आप अपने पास रखेंगे, एक स्टडी सेंटर को देंगे और एक आप स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को दे देंगे। आप ऑप्शनल कोर्स जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब जब सेकेंड ईयर की बात आ रही है तो थोड़ा सा आइडिया मैं दे देती हूँ कि जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक वोकेशनल प्रोग्राम है हमारे यहाँ, जिसको करने के बाद अक्सर कहीं ना कहीं आप जॉब के लिए ही जाते हैं और वही आपका मेन मोटो भी होता है इस प्रोग्राम को करने का। तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जाने पर जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, तो जो कोर्स कोड हमने लिखा हुआ है उस कोर्स कोड के सामने में उसमें क्या पढ़ाया जाएगा उस कोर्स का पूरा टाइटल दिया रहता है, उस टाइटल को पढ़िए फिर ऑप्शनल कोर्स को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे 6-7 कोर्स कोड आपको दिख रहे होंगे, उसमें से कितने आपको 5 कोर्स कोड लेने हैं, और ये पूरे के पूरे 6-6 क्रेडिट के होंगे, और 5 लेंगे तो टोटल आपके ऑप्शनल कोर्स 30 क्रेडिट्स के होंगे। PGDRD 36 क्रेडिट का था पूरे प्रोग्राम को पूरा करने के लिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि आप 36 और प्लस 30 66 क्रेडिट आपके पूरे होंगे, तब आपका ये पूरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। यानी आपको 66 क्रेडिट को कंप्लीट करना है टर्म एंड एग्जामिनेशन देके, असाइनमेंट जमा करके और प्रोजेक्ट वर्क पूरा करने के बाद। फर्स्ट ईयर के ये सारे कोर्स कोड हैं, ये आप पहले से जान रहे हैं। सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे, जैसे आपको अगर हेल्थ केयर में जाना है, आपको मैंने बताया था कि आप अपने ऑप्शनल कोर्स को आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आपको लगता है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रख के ही आप इस
कोर्सेज का चुनाव करेंगे। अगर आपको हेल्थ के से रिलेटेड, आपको रूरल बैकग्राउंड में क्या हेल्थ का प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कुछ करना है, या प्रोजेक्ट का भी जब आप अपना टाइटल या टॉपिक चूज करते हैं उस समय भी इस बात का ख्याल रखिए कि आप उसमें ही रिसर्च करिए जहां आप जाना चाहते हैं, ताकि आप उसमें ज्यादा वेल वर्स्ड हो सके और आपको पहले से प्रीवियस नॉलेज जो है आपके इस फील्ड का वो ज्यादा से ज्यादा बाकी जो आपके साथ में कंपटीटर होंगे उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब देख रहे होंगे जिसमें सोशल डेवलपमेंट है, वॉलेंट्री एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट है, लैंड रिफॉर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल एरियाज में, जो वहाँ डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं सिर्फ वहाँ जो रिफॉर्म्स है उसको नहीं जानने की वजह से, वो अवेयरनेस फैलाना, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो अभी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गांव में जब देखेंगे तो उनको पता ही नहीं होता है कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं या उसके पास में क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं पहले आपको मैंने क्रेडिट बताया था, अब क्रेडिट ट्रांसफर और क्रेडिट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये पता होगा कि हमारा ये पीजीडीआरडी और एमएआरडी सभी ये रूरल डेवलपमेंट से संबंधित हैं, और इसके अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी है, सीआरडी जिसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट। अब जिसने ये सीआरडी या पीजीडीआरडी प्रोग्राम किया है वो डायरेक्ट चाहे तो अपना क्रेडिट ट्रांसफर करा के उसको उतने कोर्स कोड नहीं पढ़ने पड़ेंगे और डायरेक्ट वो एमएआरडी कर सकता है। जिसने पहले से सीआरडी सर्टिफिकेट ले रखा है, जिसने पीजीडीआरडी पूरा कर लिया है, वो एमए इन रूरल डेवलपमेंट करने के पहले पहले तो एडमिशन लेगा, उसके बाद वो कोर्स कोड जो पहले इन्होंने पास कर रखे हैं उन क्रेडिट को आपके ग्रेड कार्ड पे चढ़ा दिया जाता है और आपको उसका एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम है ये इग्नू। वैसे जो सिमिलर कोर्स होते हैं जिसमें कोर्स कोड बिल्कुल समान दे दिए जाते हैं उसके लिए ये प्रोविजन करती है, पर किसी भी हालत में आपका जो प्रोजेक्ट है जो आपने पीजीडीआरडी में किया हुआ था वो यहाँ नहीं चलेगा, उसका क्रेडिट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। एमआरडी जो 001 था, एमआरडीपी 001, वो आपको एमए के लिए करना ही पड़ेगा, यानी आपको उसका जो रूरल डेवलपमेंट का RDD5 था वो करने के अलावा भी ये करना पड़ेगा, इसका क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होता है। इस स्कीम को अगर ध्यान में रखेंगे तो ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने पीजीडीआरडी सोच के ही किया है उनका प्रोग्राम अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर से वो एमएआरडी कर सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर का जितना भी कोर्स कोड है वो और आपके पीजीडीआरडी का कोर्स सारे कॉमन होते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं आज के बाद से, जब भी जो भी एक्टिविटी आपकी होगी और रीजनल सेंटर जो अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करता है उसके लिए ये हमने एक मीडिया जो प्लेटफॉर्म है हमारा जहाँ से हम इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे वो उसकी एक लिस्ट है, आप चाहें तो इसको भी नोट करके रख सकते हैं। आप सबसे पहले rcpatna.ignu.ac.in जो हमारा आरसी पटना का वेबसाइट है जहाँ पे आपको काउंसलिंग शेड्यूल या प्रैक्टिकल से रिलेटेड या कोई भी और इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड या RR से रिलेटेड हर तरह का इंफॉर्मेशन हम अपने रीजन के बच्चों के लिए आरसी पटना के वेबसाइट पे डालते हैं। अगर आप वहाँ जाना चाहेंगे तो उसका एड्रेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप उसको नोट कर लेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस चैनल के लिए ये उसका एड्रेस ये है, इसको आप चाहें तो आज के आज ही इन सारी जगहों पे आप इनके फॉलोअर्स बन सकते हैं, आप वहाँ जाके लाइक कर लीजिए। जो भी हमारा वीडियो, जैसे आज आपका हो सकता है कि हम अभी वीडियो अपलोड करें उस पर अपने यूट्यूब पे, जिन छात्रों ने नहीं देखा है आज वहां से भी जाके देखेंगे, या फिर आप कुछ भूल जाते हैं कुछ दिनों के बाद तो आप वहां से जाके फिर से इस वीडियो को देख के आप अपना नॉलेज जो है उसको फिर से अपडेट कर सकते हैं। अब फेसबुक पेज भी है हमारा आरसी पटना का जिसका एड्रेस आप देख रहे हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन सभी जगहों पे जो एक्टिविटीज हमारी होती है उसके स्क्रीनशॉट्स या ओरिजिनल जो हम फोटोग्राफ्स लेते हैं वो सारे सब शेयर करते रहते हैं, जिससे भी आपको पता चलता है कि अभी कौन सी गतिविधि रीजनल सेंटर पटना में हो रही है या जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं देख पाए और वहां से आपको पता चलता है तो फिर आप हमको कॉन्टेक्ट करते हैं या फिर स्टडी सेंटर में कॉन्टेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर वो प्लेटफॉर्म जो इग्नू रीजनल सेंटर पटना
अभी आपके आपको शेयर कर रहा है उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि मुझे ये कहाँ से मिल सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें या फिर हमारे वेबसाइट से जाके आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो हमने अभी आपको बताया। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई छोटा मोटा डाउट बच गया है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम वेस्ट ही था PGDRD और MARD। जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें जो डिस्टेंस मोड में आते हैं उनके लिए बहुत कॉमन सी जो बातें